सो वेलकम टू सिग्नेचर ईकॉम सॉल्यूशंस, आई एम ऋषि। आज की जो वीडियो है वो स्पेसिफिकली होने वाली है मीशो सेलर्स के लिए। सो अगर आपका अकाउंट भी मीशो पे ब्लॉक हो गया है, सस्पेंड हो गया है, सो उसका क्या इसमें सॉल्यूशन हो सकता है, उस पर मैं आज बात करने वाला हूँ। कैसे उसको रीएक्टिव हम कर सकते हैं या कैसे उसको रीलॉन्च कर सकते हैं, उस पर मैं बात करने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मान के चलिए आप कुछ प्रोडक्ट सेल करते थे तो वो एक्टिव लिस्टिंग में आता था हमेशा, बट जैसे ही आपका अकाउंट ब्लॉक होगा तो पहले आपको पता कैसे चलेगा कि ब्लॉक हो रखा है। एक्टिवेशन पेंडिंग प्लस ब्लॉक्ड में सारे प्रोडक्ट जो हैं आपके वो ब्लॉक्ड में चले गए। जैसे देखिए ये लॉन्जरे वगैरह बेचते थे तो इनका क्या है, ब्लॉक्ड में चला गया है, सारी लिस्टिंग जो है वो ब्लॉक्ड हो गई हैं। अब इसके पीछे रीज़न क्या है वो देख लेते हैं। देखिए सीधी सी बात है, अगर हम यहाँ पर लेफ्ट साइड में क्वालिटी डैशबोर्ड पर जाएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं रेड में है। रेड में है मतलब 3.5 से नीचे हो गया है स्कोर आउट ऑफ 5। तो जब भी आपका स्कोर देखिए 5 में से 3.6 पे आ जाता है, 3.7 पे आ जाता है, तो आप कोशिश करें कि जो भी प्रोडक्ट आपकी लिस्टिंग को डाउन लेके जा रहे हैं, मतलब जिसका भी रेटिंग डाउन हो रहा है जिसकी वजह से, उस प्रोडक्ट को आप तुरंत पॉज कर दें, राइट। अगर आप उसको सही टाइम पर पॉज नहीं करोगे, धीरे धीरे रेटिंग 3.5 से नीचे आएगी, पुअर में आ जाएगी एवरेज से, और ये रेड होके आपका जो अकाउंट है वो ब्लॉक हो जाएगा। तो ये देखिए 3.5 से नीचे होते ही ये ब्लॉक कर देते हैं मीशो अकाउंट को। यहाँ पे लिखा हुआ है रिस्क ऑफ ब्लॉक्ड, बट ये ब्लॉक हो चुका है। सो अब इसमें जो पहला काम कर सकते हैं हम, वो क्या करते हैं, जैसे ये सेलर आप देख सकते हैं इसमें ऑलरेडी वर्क हो चुका है। ब्लॉक होने के बाद आप सपोर्ट पर जाते हैं और टिकट रेज करते हैं यहाँ से कि माई अकाउंट इज़ डीएक्टिवेटेड, प्लीज़ रीएक्टिवेट। तो देखिए ये ऑलरेडी दो केस यहाँ पे कर चुके हैं, दो केस रेज कर चुके हैं, तीसरा केस भी रेज कर चुके हैं, चौथा केस, बहुत सारे केस ही रेज कर चुके हैं। और क्लियरली सेलर सपोर्ट ने इनको बोला है कि प्लीज़ बी इन्फॉर्म दैट वी हैड रन एन इन्वेस्टिगेशन टू फाइंड द रूट कॉज ऑफ दिस इशू। एज पर आवर इन्वेस्टिगेशन वी आर सॉरी टू इन्फॉर्म यू दैट योर अकाउंट हैज़ बीन परमानेंटली डीएक्टिवेटेड बिकॉज ऑफ कॉन्स्टेंटली परफॉर्मिंग बिलो आइडियल स्टैंडर्ड ऑफ मीशो सप्लायर्स। तो सीधी इन्होंने देखो सीधी बात बोल दी है कि भाई परमानेंटली ये डीएक्टिवेट हो चुका है। तो परमानेंटली डीएक्टिवेशन का मतलब है कि आप अब इस अकाउंट में कुछ भी कर लो तो ये अकाउंट अब एक्टिवेट नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो रेटिंग है, जो मीशो स्टैंडर्ड सिंपल सी चीज़ है, रेटिंग आपकी डाउन हो चुकी है, राइट। और ये बार बार सेम रिप्लाई आपको कर रहे हैं। तो अब आप कोई भी यहाँ पे टिकट रेस करोगे वगैरह वगैरह जो भी करोगे तो ये नहीं होने वाला। तो अब देखो इसका सिंपल सा अब आपके पास ऑप्शन बचता है कि आप इस अकाउंट को रीलॉन्च कर दो। तो रीलॉन्च कैसे करना है वो देखिए आपके एंड से तो होगा नहीं, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली मैं अपना नंबर दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप डायरेक्टली मुझे कॉन्टैक्ट करें, अपना इस अकाउंट का आईडी पासवर्ड मेरे साथ शेयर करें, मैं एक बार चेक कर लूँगा कि आपने इनफ ट्राई कर लिए हैं नहीं कर लिए हैं रीएक्टिवेट करने के। अगर नहीं कर लिए हैं आपने, उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसी अकाउंट को हम जिस जीएसटी से आपने अकाउंट बना रखा है उसी जीएसटी से इस अकाउंट को रीलॉन्च फिर से कर देंगे। और लिस्टिंग ऑब्वियसली बात है, जो आप ऑलरेडी कर चुके हैं तो इसका स्कोर ऑलरेडी ख़राब हो चुका है, तो इसको रीएक्टिवेट कराने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप क्या करें, नया अकाउंट सेम जीएसटी से मैं आपका बना के दे दूंगा, आपको बस एक नया मोबाइल नंबर, नया ईमेल आईडी और नया बैंक अकाउंट मुझे देना पड़ेगा, उसके बाद आपका अकाउंट मैं रीलॉन्च करके दे दूंगा। एंड उसके बाद आप क्या करें, फिर से अपनी जो भी लिस्टिंग है उसको दोबारा एक्टिव करें, और इस बार या तो देखिए प्रोडक्ट का रेट कम रखें जिससे कि प्रोडक्ट सेल होगा तो उसकी रेटिंग जो है वो उस हिसाब से आएगी। जैसे ये प्रोडक्ट 271 का है तो इसमें अच्छी रेटिंग नहीं थी, लेकिन वहीं ये प्रोडक्ट अगर थोड़ा कम का सेल हो रहा होता, आपका मार्जिन थोड़ा कम भी होता, तो ये उतना इसमें रिटर्न्स वगैरह नहीं आते और इतनी मतलब क्वालिटी का उतना इश्यू नहीं रहता। प्लस आप चाहे तो इसकी क्वालिटी इम्प्रूव करके या जहाँ से आप इनको सोर्स करते हैं इन प्रोडक्ट्स को, आप वो चेंज करें एंड नेक्स्ट टाइम से आप अपना मीशो अकाउंट अच्छे से चला सकते हैं। क्योंकि मीशो की देखिए अभी बिगिनिंग है, अभी से अगर आप क्वालिटी अच्छी बनाना शुरू करेंगे तो लेटर ऑन आपका बहुत अच्छा सेल इस पर मिलना शुरू हो जाएगा। कोई और अगर इशू है आपके मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन के रिगार्डिंग, तो आप मुझे ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड कीप ग्रोइंग ऑनलाइन।